हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो ड्राई स्किन के ऊपर मेकअप बेस का है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप ड्राई स्किन पे हम लोग बेस कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेसिक प्रिपरेशन, जिसमें क्लिनजिंग कर चुकी हूँ और टोनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे क्लाइंट का फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो हम लोग मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छे से करेंगे, एक बार मॉइस्चराइज़र लगा के छोड़ देंगे और दोबारा से भी एप्लीकेशन करेंगे अगर आपको लगता है फेस ड्राई है। मॉइस्चराइजिंग अच्छे से करने के बाद मैं ऑरेंज करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ, जो कि करेक्टर है हमारे क्रीम बेस हैं, तो ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा काम रहता है इन करेक्टर्स का। और कंसीलर जो है हमारा वो सब क्रीम बेस है, जो भी हम वर्क करेंगे इनके ऊपर। इस तरीके से अच्छे से हम लोग करेक्टर का यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ हमको अनइवन स्किन टोन दिख रहा है। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर जब भी आप यूज़ करें, अच्छे से पानी में डालें, स्क्वीज़ करें और उसको रख दें, उसके बाद यूज़ करें। बार बार उसको गीला करने की नीड नहीं होती। इस तरीके से पूरे फेस पे मैंने करेक्टर की जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से कर दी है। अब मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ले रही हूँ, कैरेमल और कस्टर्ड, इनको मिक्स कर रही हूँ मैं। और मिक्स करके इनके फेस टोन के अकॉर्डिंग मैंने फाउंडेशन बना लिया है और उसकी एप्लीकेशन अब मैं करूँगी फेस के ऊपर। और एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। थोड़े से टोनर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को जो इनका मेकअप है वो लंबे समय तक टिकाना है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा टोनर यूज़ करेंगे फेस के ऊपर। और इस तरीके से हम लोग अच्छे से जो इसको ब्लेंड कर देंगे फाउंडेशन को। अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, अच्छे से बिल्कुल हर जगह पर आप लोग फाउंडेशन को लगाएंगे, ईयर्स के ऊपर अच्छे से और नेक और पूरा आगे से कवर करेंगे। टार्ट ब्रांड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मीडियम शेड में है, और अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मेरा क्लाइंट जो है उनको मेकअप बहुत लाइट चाहिए, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल लाइट लाइट सा हर चीज़ यूज़ करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा से कंसीलिंग की नीड नहीं है, कंटोरिंग वगैरह की नीड नहीं, कंसीलिंग तो हमें अच्छे से करनी है। इस तरीके से हम लोग सेट कर देंगे। अगर आप ब्लेंड अच्छे से करेंगे तो मेकअप क्या है बिल्कुल बहुत अच्छा दिखता है। तो ब्लेंडिंग करते समय आप ध्यान रखिए, अच्छे से ब्लेंड करते जाइए। बहुत लाइट लाइट सी कंटूरिंग कर रही हूँ मैं, आगे तक भी नहीं आ रही, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कराना। तो मैं भी जैसा हमारे क्लाइंट की इच्छा हो वैसे ही हम लोग अपना काम करेंगे। इस तरीके से हल्की सी ही कंटूरिंग करेंगे, इनको बिल्कुल नॉर्मल लुक चाहिए, एकदम हल्का सा नोज़ को शेप दे रही हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा नीचे से मोटा है जो नाक का शेप है, तो हम इसको थोड़ा सा स्लिम दिखाएंगे, इसलिए हम लोग नोज़ की कंटूरिंग करेंगे। कुछ एडवाइस आप अपने क्लाइंट को अपने आप से देंगे कि ये चीज़ ज़रूरी है तो ये करनी पड़ेगी। हल्की सी जॉ लाइन पर मैं दे रही हूँ कंटूरिंग। आप अपने क्लाइंट के संग बन के रहिए, ताकि उनको जो चाहिए आप वैसा उनको दीजिए, और कुछ अगर उनके लिए अच्छा है तो आप उनको एडवाइस कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा, तो आपका क्लाइंट भी आपको मना नहीं करेगा करने से। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे।
देखिए बहुत हल्की हल्की कंटूरिंग कर रही हूँ मैं फेस पर। इसके बाद मैं हाइलाइटर का यूज़ कर रही हूँ। और उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैं मैबिन ब्रांड की लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ ब्लशर करने के लिए। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, स्माइल कराते हुए क्लाइंट को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जब वो स्माइल करते हैं तो थोड़ा स्किन जो हमारा होता है टाइट हो जाता है, तो बहुत अच्छे से हमारा प्रोडक्ट ब्लेंड होता है। तो उनको समझाइए बात और उनको बोलिए आप स्माइल कीजिए ताकि हम लोग अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर सकें। तो इस तरीके से आप भी करवाएंगे और अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे आप लोग। इसके बाद मैं अपना टाइम टू ब्रांड का एयर ब्रश मशीन का यूज़ करने जा रही हूँ, शेड 003 और 6 नंबर, 006 नंबर मिक्स करके हम लोग इसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं। दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिए हैं, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं दिखाना है इसलिए। अच्छे से नेक को कवर कर रही हूँ मैं इससे और फेस को कवर कर रही हूँ। इसके बाद मैं लाइंस के ऊपर दोबारा डैप कर रही हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से, ताकि जो लाइंस हैं वो हटती जाएं, क्योंकि ड्राई स्किन है, लाइंस बहुत जल्दी आती है इनके ऊपर, तो आप इनको रिमूव करते जाएंगे अच्छे से डैप करते हुए। और देखिए मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच करके डैप कर रही हूँ, ताकि इनकी लाइंस बहुत ज़्यादा थी, तो लाइंस को मैंने थोड़ा सा दूसरे वाले जो अपने हाथ में ब्यूटी ब्लेंडर है उससे मैंने स्ट्रेच किया। आप भी ऐसे कर सकते हैं, और जो लाइंस को क्लियर किया दूसरे से। हाँ, और इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि पाउडर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। देखिए जितने अच्छे से लाइंस को हटाएंगे उतना अच्छा आपका लुक आएगा। तो छोटी छोटी सावधानियाँ आप रखेंगे तो आपका बेस बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, ताकि आपको छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो काम आएंगे आपके मेकअप में। तो इस तरीके से हम लोग पूरे फेस पे हम लोग पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेकअप स्टूडियो ब्रांड का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है। इसके साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। लास्ट में हम लोग मेकअप फिक्सर का यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।